तो आज जिन कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, जिस कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें हम दो कंजंक्शंस को यूज करने वाले हैं, पहला सैटर्न केतु, दूसरा सैटर्न राहु। मैं चाहूंगा आप सब लोग जो है अपने वीडियो जो है ऑन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे को आप लोगों के एक्सप्रेशन भी जो है वो देखने हैं, मेरे को जानना है कि आप किस तरीके से, आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सैटर्न केतु, और सैटर्न केतु से मेरा मतलब क्या है वो समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके चार्ट में सैटर्न केतु किस तरीके से काम कर रहा है। इफ यू हैव सैटर्न एंड केतु कंजंक्शन इन अ पर्टिकुलर साइन, अगर किसी एक साइन में सैटर्न केतु है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सैटर्न केतु। यदि सैटर्न केतु दोनों ट्राइन में है, एक दूसरे से त्रिकोण में है, तब भी आप उसको सैटर्न केतु ही कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से यदि आपका सैटर्न राहु एक साथ है तो भी आप उसको सैटर्न राहु लेंगे, और सैटर्न राहु यदि ट्राइन में है तो भी आप उसको सैटर्न राहु लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न केतु की, जिसको नॉर्मली एक अच्छा कंजंक्शन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, और क्यों नहीं किया जाता उसके रीजन पर आते हैं, एंड देन उसकी फिलॉसफी को समझेंगे, एंड देन उसके उपाय की बात करेंगे, यानी कि उसके कर्म अलाइनमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह बिठा लीजिए कि अलाइनमेंट तीन लेवल पर होता है, याद रखिएगा, जब हम अलाइनमेंट की बात करते हैं अलाइनमेंट तीन लेवल पर काम करता है। फर्स्ट लेवल है हाउस का लेवल, यानी कि हाउस को हम अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आप लोगों से कहूं कि आपको अपना छठा घर अलाइन करना है, तो आप लोग क्या बात करेंगे छठा घर अलाइन करने के, कि मुझे क्या करना चाहिए छठा घर अलाइन करने के, डंबल करूं, एक्सरसाइज करूं, जॉगिंग करूं, एक सेट रूटीन बनाऊं, ये करके क्या होगा, मेरा छठा घर अलाइन हो जाएगा। अगर मैं कहूं आपको बारहवां घर अलाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप चैरिटी करेंगे, आप बाबागिरी में आ जाएंगे, मतलब बाबागिरी इन द सेंस मेडिटेशन करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, आप अपने को कहीं आइसोलेशन में रख सकते हैं, किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर वातावरण बदला हुआ हो, जहां पर चीजें बदली हुई हो, जहां पर बहुत ही मेजर रूप में आपको चेंज फील हो कि काफी कुछ बदल गया, वो ट्वेल्थ हाउस है। और जब मैं कहता हूं आप लोगों को एट्थ हाउस की अलाइनमेंट करनी है, तो आप सब जानते हैं आप ज्योतिष करेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, आप रिसर्च की तरफ ध्यान देंगे। ये हो गया घर का अलाइनमेंट। इसके बाद कौन सा अलाइनमेंट होता है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट है राशि का अलाइनमेंट। और राशि का अलाइनमेंट किस तरीके से होता है, सपोज कीजिए हम किसी मूवेबल राशि में किसी प्लैनेट को कंसिडर कर रहे हैं, कोई प्लैनेट, कोई पर्टिकुलर प्लैनेट मूवेबल साइन में है, तो वो किस चीज की बात कर रहा है, वो मूवमेंट की बात कर रहा है, वो चेंज की बात कर रहा है। और यदि वही प्लैनेट किसी स्थिर राशि में है, तो वो फोकस्ड रहने की बात कर रहा है, वो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि स्थिरता आपको कौन देगी, स्थिरता आपको मिलेगी फिक्स साइन से, और मूवमेंट आपको किससे मिलेगी, मूवेबल साइन से। तो आप लोगों को समझ में आई दो प्रकार की अलाइनमेंट कौन सी है, पहली हाउस, दूसरी राशि। लेकिन इन सबसे ऊपर जो अलाइनमेंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इन दोनों अलाइनमेंट से भी जो ऊपर अलाइनमेंट है वो किसकी है, वो प्लैनेट्स की है, वो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है। वो घर की बात नहीं कर रही है, वो राशि की बात नहीं कर रही है, वो किस चीज की बात कर रही है, वो ग्रह के कारक तत्व की बात कर रही है, वो प्लैनेटरी सिग्निफिकेशंस की बात कर रही है। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं दशाओं की, क्योंकि आप सब लोग जो है वो दशा को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि दशा किस तरीके से हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है, किस प्रकार हमें लाइफ में अलग अलग चीजों को फेस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ दशा। तो दशा में आप जब भी किसी प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा या प्रतिअंतर दशा से गुजरते हैं, तो प्लैनेट सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स आपको ऑफर करता है वो किस चीज के करता है, मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूंगा।
अगर कोई प्लैनेट आपका एक्टिवेटेड है तो वो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स आपको किस चीज के ऑफर करेगा। आपके पास तीन ऑप्शन है, मैं तीन ऑप्शन आपको बोलता हूं। पहला ऑप्शन वो जिस घर में बैठा है, दूसरा ऑप्शन वो जिस राशि में है, तीसरा ऑप्शन कि उस प्लैनेट का कारक तत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेशन क्या है। इसका आंसर है कि हर ग्रह अपने समय पर सबसे पहले अपनी सिग्निफिकेशंस को एक्टिवेट करता है, बाकी सब चीजें बाद। भले ही आप किसी भी साइन के हो, भले ही आप किसी भी लग्न के हो, भले ही आपका जो कॉम्बिनेशन है वो जैसा मर्जी भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको रिजल्ट्स किसके आएंगे, सबसे पहले रिजल्ट्स आपको प्लैनेट के कारक तत्वों के आएंगे, उसके सिग्निफिकेशंस के आएंगे। इसलिए आप अलाइनमेंट की जब बात करते हैं तो अलाइनमेंट करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो प्लैनेट का कारक तत्व क्लियर हो, कि ये प्लैनेट का कारक तत्व क्या है। तो यहां पर हमने किस चीज की बात करी, हमने बात करी सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन की। ये कारक किस चीज के हैं, दोनों कारक की बात करते हैं। सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके फोकस को, शनि रिप्रेजेंट करता है आपके कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को, और शनि रिप्रेजेंट करता है किसको, समय को। ये जो सबसे लास्ट में मैंने कुछ कहा ये आपके दिमाग में होना चाहिए, शनि रिप्रेजेंट करता है किसको, समय को। क्यों, शनि का एक पर्टिकुलर नाम जो है वो असाइंड है, आप लोग जानते हैं उसका नाम क्या है। जैसे बृहस्पति का जो नाम है हम उसको जीव कहते हैं, बृहस्पति इज जीवा, एंड यू नो व्हाट इज शनि, शनि इज काल, शनि इज काल। काल का मतलब यहां डिस्ट्रक्शन से नहीं है, यहां डिस्ट्रक्शन वाले काल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां काल का मतलब क्या है, टाइम की बात है। आप काल की बात करते हैं ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, ये सब क्या है, ये सब शनि का डोमेन। दिस इज सैटर्न, सैटर्न इज टाइम, सैटर्न इज कर्मा, सैटर्न इज सर्विस, सैटर्न इज प्रोफेशन, दीज आर द मेन सिग्निफिकेशंस ऑफ सैटर्न। इसलिए जब हम प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट में दो चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहला काल का मीन समय का, दूसरा सेवा यानी कि सर्विस का। अब इसको आपके मॉडर्न डे लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात की हमने काल की, काल का अर्थ है टाइम मैनेजमेंट। आज के अगर मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काल इज व्हाट, काल इज टाइम मैनेजमेंट। एंड व्हाट अबाउट सर्विस, सर्विसेज आप किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, दैट इज सैटर्न। आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो सैटर्न है, आपका प्रोडक्ट और आप, चाहे आपका प्रोडक्ट हो चाहे आप हो, आप किस प्रकार की सेवाएं जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं, ये भी सैटर्न। तो सबसे पहले आपको दो चीजों पर फोकस करना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है और आपकी सर्विसेज कैसी हैं। अब यहां पर एक और प्लेनेट आकर कनेक्ट हो गया आपके साथ, कौन, केतु। अब केतु क्या है, केतु ब्लॉकेज है, केतु इंटेंशन है। हमने सैटर्न की बात करी ना, सैटर्न क्या है, सैटर्न सर्विस है, सैटर्न आपका टाइम मैनेजमेंट है। ऐसे ही जब केतु की बात करते हैं तो केतु क्या है, केतु आपकी इंटेंशन है और केतु आपकी ब्लॉकेज है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु का, ये क्या करता है, ये करियर में बहुत सारी ब्लॉकेजेस खड़ी करता है। ये मैं लेमन के लिए बात कर रहा हूं, ये एक आम व्यक्ति के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहे जो सैटर्न केतु को, जिसको हम कहें कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली कर सकता है और क्यों करता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। क्यों व्यक्ति सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन में भी
जो है वो एक्सेप्शनल ग्रोथ करता है, और क्यों सैटर्न केतु का व्यक्ति जो है वो बहुत छोटी सी जगह में सिमट कर रह जाता है, बहुत छोटे से काम में सिमट कर रह जाता है और लाइफ में ग्रो नहीं करता, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो सबसे बड़ा रीजन जो इसके पीछे ये है कि जब आपकी कुंडली में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी इंटेंशन को डिफाइन करना, यू नीड टू डिफाइन योर इंटेंशन। अब डिफाइन योर इंटेंशन से मतलब क्या है, अब सब लोग समझ रहे होंगे तो बड़ा इजी है डिफाइन योर इंटेंशन, इसमें क्या बात है, सबको पता इंटेंशन क्या है? नहीं, ये सबसे मुश्किल काम है, इंटेंशन को डिफाइन करना सबसे हार्डेस्ट काम है। क्यों? क्योंकि यदि आप लोग एस्ट्रोलॉजी करेंगे, यदि आप वास्तु करेंगे, यदि आप लोगों को पढ़ाएंगे या लोगों को आप सलाहें देंगे, तो वहां पर आप किस इंटेंशन से ये काम करेंगे वो आपके कॉम्बिनेशन को जस्टिफाई करेगा, ना कि आपके कॉम्बिनेशन का अच्छा या बुरा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन लेकर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपके दिमाग में इंटेंशन क्या चल रही है, अच्छा इस आदमी को बोलता हूं तुम्हारी ये दशा खराब होने वाली है, ये घबरा जाएगा, उसके बाद ये मुझसे उपाय पूछेगा एंड देन मैं आगे कुछ करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है, आपको ना पैसा मिलेगा, आपको 10 बातें जो है वो नेगेटिव और सुनने को मिल जाएंगी अपने लिए। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन योर इंटेंशन, दैट इज सैटर्न केतु, सबसे पहला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू डिफाइन योर इंटेंशन। सेकेंड पार्ट, यू नीड टू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। आपको अपने काम की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्यों संपूर्ण जानकारी? इसके पीछे का रीजन क्या है? आप जानते हैं केतु को किस चीज से कनेक्ट किया जाता है? केतु को जड़ों से कनेक्ट किया जाता है। केतु इज रूट्स। रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है जड़। इसका अर्थ क्या है कि सैटर्न केतु वाला व्यक्ति अपने काम में कब राइज करेगा? जब उसको अपने काम की संपूर्ण नॉलेज होगी, तभी सैटर्न केतु वाला राइज कर पाएगा, अन्यथा नहीं करेगा। और क्यों फेल होता है सैटर्न केतु वाला? मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अभी आप में से बहुत से लोग सैटर्न केतु लेकर बैठे हुए हैं, मुझे पता है आप लोग अगर कह रहे हैं कि सर मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको लगता है कि राहुल कौशिक की 10 वीडियो जो है वो संपूर्ण है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और हम फिर बैठ जाते हैं अपनी दुकानदारी लेके कि चलो अब लोगों को सलाह देंगे। कुछ नहीं होने वाला है, सिंगल आदमी भी आपके पास नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट की गहराई में, आपको अपने कंसेप्ट्स की गहराई में खुद उतरना पड़ेगा, उसकी जड़ को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये कार्य कर लिया, आप सक्सेसफुल हो सकते। ये सेकंड मंत्र है, केतु इज जड़, केतु इज जड़, केतु इज रूट्स। आपके सामने कोई कंसल्टेशन लेने के लिए बैठा है, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है, कह रहा है क्या कह रहा है कि मैं गारमेंट्स की शॉप खोलने वाला हूं, कैसे करोगे उसकी कंसल्टेशन? अरे मैं देख लेता हूं, इसका शुक्र जो है 11वें घर में बैठा है, शुक्र के कारक तत्वों से इसको लाभ होंगे, चलो एक काम करता हूं उसको लिख कर दे देता हूं, जाओ कर लो। कुछ नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये जो डिसीजन लिया है वो क्या सोचकर लिया है, कपड़ों में मार्जिन बहुत है। उसका ये सिंपल इतना सा पॉइंट है कि कपड़ों में मार्जिन बहुत है, मैं ये काम करता हूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका क्वेश्चन उससे क्या होना चाहिए, कौन से फैब्रिक पर काम करो, ये फैब्रिक बनता कैसे है, ये फैब्रिक जो है ये बाकी फैब्रिक से क्यों अलग है। जब आपको ये बोध हो जाए उसकी कुंडली में कि इसको कपड़े का बाल से लेकर और नाखून तक का आइडिया है, आप उसको आंख बंद करके कह सकते हो गो अहेड, वो बंदा सफल हो जाए। सैटर्न केतु। दूसरा कि केतु जो है
वो सलाहकारी भी है। केतु जो है वो सलाहकारी भी है। आप कंसल्टेंसी जो बोलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो केतु। आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को यदि देखेंगे जो बहुत अच्छा कंसल्ट कर सके चीजों को, बहुत अच्छा गाइड कर सके, वहां पर आपको केतु का रोल अवश्य मिलेगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे, यार ये काम तो जुपिटर का होना चाहिए, बिकॉज गाइड करने का काम जुपिटर का है, 100% जुपिटर का है, उस बात में कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जब केतु साथ में अटैच हो जाता है तो एक चीज जुड़ जाती है साथ में, क्या? इंटेंशन। और जब आप किसी को गाइड करते हैं, जब आप किसी को सलाह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों तक कब डिलीवर होगा? सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है उसकी, कुछ कोई दूसरी शर्त नहीं। क्या? कि मेरा आप लोगों को ज्ञान देने के पीछे इंटेंशन क्या है, मैं किस इंटेंशन के साथ ये डिलीवरी कर रहा हूं, दैट विल मेक माई लेक्चर और माई क्लास सक्सेसफुल या एक फेलियर। सिंपल। सैटर्न केतु वाले को सबसे पहले अपना माइंडसेट इस चीज पर क्लियर कर लेना है कि इस काम को करने के पीछे मेरी मंशा क्या है। जिस दिन आपकी मंशा क्लियर हो गई, उस दिन आपकी ब्लॉकेज क्लियर। और स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही, ये मैंने आपको दो अलाइनमेंट के टूल बताए, लाइक सैटर्न केतु जो है वो किस तरीके से काम करेगा। अब मैं एक रेमेडी पार्ट पर आता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही आपसे कि जो रेमेडी है ना वो आपको खरीद कर नहीं लानी है, वो आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है, आपके आसपास रखी भी होगी है, या हो सकता है आपके शरीर पर ऑलरेडी हो। वो रेमेडी क्या है उसको भी सुन लीजिए। शनि क्या है? टाइम मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने? टाइम मैनेजमेंट। केतु क्या है? इंटेंशन है। मैंने शब्द क्या बोला? मैंने कहा कि आपको अपने कर्म में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी इंटेंशन को डिफाइन करना पड़ेगा। और आपकी इंटेंशन किस चीज से डिफाइन हो रही है? केतु के साथ में कौन कनेक्ट है? सैटर्न। यानी कि इंटेंशन को डिफाइन कर रहा है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट को डिफाइन कर रही है इंटेंशन। तो सबसे पहले इंटेंशन पर काम करते हैं। इंटेंशन को कौन सही करेगा? सैटर्न सही करेगा। सैटर्न क्या है? टाइम मैनेजमेंट है। जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं या समय की बात करते हैं, तो आपके आसपास या आपके घर में आपको कौन सा टूल, कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देता है जो समय को दर्शाता है? टेल मी। मैंने पहनी नहीं हुई लेकिन इशारे से समझ गए होगे आप। सैटर्न। सैटर्न वॉच इज सैटर्न। जो घड़ी आप डालते हैं दैट इज सैटर्न। बिकॉज सैटर्न का नाम क्या बोला मैंने? काल। आपको काल कौन बताता है? कोई साथ में कोई एनर्जी आती है वो बोलती है, अरे ये काल हो गया है, ये समय हो गया है। नहीं ना, आपको किसकी तरफ देखना पड़ता है? आपको वॉच की तरफ देखना पड़ता है। बिकॉज दैट इज वन थिंग जो आपको समय बता रही है। कितनी बड़ी बात है, आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन सोच के देखिए, वो आपको क्या बता रही है? वो आपको बता रही है समय कैसा है। इस बात की गहराई को समझिएगा। वॉच आपको समय दिखा नहीं रही है, वो बता रही है समय कैसा है। तो यहां पर हमने किसकी बात की? सैटर्न के साथ कौन कनेक्ट है? केतु कनेक्ट है। केतु क्या है? जड़ है। और यदि मैं आपसे कहूं, इतना ज्योतिष आप सब लोग यहां पर बैठे हुए इतना ज्योतिष समझते हैं, कि यदि मैं आपसे कहूं कि अगर केतु और राहु दोनों को डिफाइन करना पड़ जाए, तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो ट्रेडिशनल चीजों को डिफाइन करेगा, और ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की बात करेगा? मेरे को ये और बताइए। ये भी आप सब लोगों को पता है, जाहिर सी बात है। केतु किस चीज के बारे में बात करेगा? बी ट्रेडिशनल, बी ग्राउंडेड। जड़ें कहां होती हैं? जड़ें कभी आसमान में उठती देखी है कि अरे पेड़ आसमान में जड़ें आ गई? नहीं ना। जड़ें कहां होगी? जड़ें जमीन पर होंगी। यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू बी रूटेड।
सो आपका समय भी रूटेड होना चाहिए, आपकी वॉच भी रूटेड होनी चाहिए। कौन सी वॉच पहननी है आपको? आपको ट्रेडिशनल घड़ी पहननी है, आपको डिजिटल वॉच नहीं पहननी, आप एनालॉग घड़ी पहनेंगे। अब यहां पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अरे हाँ यार मैं घड़ी शायद इसीलिए नहीं पहन पाता हूं, इसीलिए मेरे हाथ पर जो घड़ी है वो टिक नहीं पाती, क्योंकि मैं तो सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा हूं और मैंने क्या किया हुआ, मैंने एप्पल वॉच ली हुई है। एप्पल वॉच आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आपके लिए सिंपल सी एक ट्रेडिशनल वॉच सब कुछ कर देगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा कनेक्ट किया इस पॉइंट को, या पॉइंट बस ऐसा लगा हाँ सर ने बोल दिया ठीक है सैटर्न केतु है, हाँ ठीक है यार ट्रेडिशनल वॉच और डिजिटल वॉच ये भी कोई चीज है, इससे भी कोई डिफरेंस हो सकता है। इसको करके देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ सकता है। सैटर्न केतु कभी भी ये नहीं करना है क्या, डिजिटल चीजों पर नहीं जाना है, ट्रेडिशनल चीजों पर जाना है, रूट्स को पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है। अब कई लोग जो रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत पजेसिव लोग थे ना, उनका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग काम करता है, वो लोग जो हैं अपने ऑफिस में, मुझे लगता कहीं ऐसा ना हो कहीं पेड़ ही कल लगा दे अपने ऑफिस में कि ठीक है ये ग्रो करता रहेगा, मैं जड़ों को देखता रहूंगा और मेरा जो है वो काम होता रहेगा। यहां हम बात सिंबल्स की नहीं कर रहे हैं, सिंबल्स जो माइंडसेट हमें देता है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें सिंबल को इस तरीके से नहीं देखना है कि ठीक है जड़े हैं मैं जड़े देख के खुश हो रहा हूं, हमें उस फिलॉसफी को पकड़ना है जो फिलॉसफी जड़े रिप्रेजेंट करती है। कई लोग यहां पर लाल किताब के प्रैक्टिशनर होंगे, मुझे पता है कई लोगों ने लाल किताब पढ़ी भी होगी, तो लाल किताब में पितरों को बहुत महत्व दिया गया है, एंसेस्टर्स को बहुत महत्व दिया गया है। आप जानते हैं एंसेस्टर्स जो है वो कौन सा प्लेनेट है? केतु। क्यों? क्योंकि जड़े हैं वो आपकी। कभी सोचा है अपने काम को शुरू करने से पहले, ये जितने भी लोग सैटर्न केतु लेकर बैठे हैं, कभी सोचा है अपने काम को करने से पहले एक बार अपने एंसेस्टर्स को सोच लिया जाए, याद कर लिया जाए, या उनसे एक बार इजाजत मांग ली जाए कि चलो यार अपना काम शुरू कर दें तो कुछ उससे कुछ डिफरेंस ऐड हो सकता है लाइफ में? नहीं, कभी नहीं सोचा, आज से सोचना शुरू करें। और फिर क्वेश्चन भी ये बनाएंगे, सर 43 दिन हो गए सोचते सोचते एंसेस्टर्स को, अभी तक तो कोई चेंज आया नहीं। यही होता है ना, मेरा मतलब आपके माइंडसेट को चेंज करने से, मैं आपके प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपका चार्ट अच्छा है या बुरा है, मैं आपके डेस्टिनी जानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके डेस्टिनी कैसे बनेगी उसकी बात कर, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कैसे करेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है सैटर्न केतु। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इंटेंशन, यू नीड टू हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज, और जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपके करियर प्लान्स, जो कुछ भी आपने अपने करियर को लेकर सोचा है, जस्ट राइट इट डाउन, आपने क्या सोचा है उसके बारे में लिखिए। अब आप कहेंगे ये पॉइंट कहां से आ गया कि जो सोचते हैं करियर के बारे में उसके बारे में लिखना है, क्योंकि यहां पर भी लिखित रूप से आप अपने केतु को जागृत करके एक इंटेंशन अपने माइंडसेट में डाल रहे हो, अपने माइंड में डाल रहे हो, किस चीज के प्रति? अपने प्रोफेशन के प्रति। अपनी इंटेंशन डिफाइन कर लीजिए। और ये इंटेंशन की बात मैंने क्यों की, उसका मैं कारण आप लोगों को अभी डिफाइन कर देता हूं, आप सब लोग ना अपनी लाइफ से उसको शायद कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग अपने एक सर्कल में होते हैं, आप लोगों का एक फ्रेंड सर्कल होता है, आप लोगों के आसपास के लोगों का सर्कल होता है, और 99% लोग जो है वो क्यों नहीं राइज करते हैं या क्यों एक लेवल पर जाकर रुक जाते हैं जानते हैं? क्योंकि उनकी ग्रोथ का
उनकी ग्रोथ की जो उन्होंने एक इंटेंशन डाली हुई, एक जो भाव डाला हुआ है, वो पता क्या डाला हुआ है, यार इसकी सैलरी 10 लाख है ना, मुझे बस 11 लाख पर आना है, इससे ऊपर आना है, इस आदमी से ऊपर मैंने अपनी वो कर देनी है। आपने अपने अंदर जो एक इंटेंशन डाली हुई है उसको लिमिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज को देखकर ग्रो कर रहे हो। आपकी इंटेंशन जिस दिन खुद को लेकर एक्सेप्शनल ग्रोथ की हो जाएगी कि मुझे इसको देखकर ग्रो नहीं करना है, मुझे अपने को देखकर ग्रो करना है, मुझे अपनी ग्रोथ से मतलब है, सामने वाला क्या करता है क्या नहीं, उस दिन से आप अपनी ग्रोथ को नोटिस करना शुरू कर दीजिएगा कि आप कितना आगे जा रहे हैं। ये सैटर्न केतु है, ये सारा कोई रिटन मटेरियल नहीं है कि ये आपको कहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वो कॉम्बिनेशन है जो किसी व्यक्ति को ना टिकने नहीं देता, काम में सेटल नहीं होने देता है। और उस दिन आप सेटल हो जाओगे जिस दिन आप सैटर्न केतु की इंटेंशन को समझ जाओगे। इसलिए आप में से बहुत से लोग जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो लोग जो अच्छे गाइडेंस गिवर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यदि मैंने आप लोगों को कह दिया कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इस मुगालते में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आपकी सक्सेस शुरू, आपकी सक्सेस उस दिन तक शुरू नहीं होगी जिस दिन तक आपकी ये इंटेंशन डिफाइन नहीं होगी कि आप कंसल्टेशन में सामने वाले को किस भाव के साथ में चीजें बताओ। आपका भाव क्या रहेगा? आपका भाव जो है वो सामने वाले को सफरर बनाने का है, या आपका भाव सामने वाले को अचीवर बनाने का? आपकी इंटेंशन वो क्लियर होनी चाहिए। मेरी इंटेंशन बड़ी क्लियर है, आपके पास कोई मेरे पास आप में से कोई रोता हुआ आ जाए तो मेरी इंटेंशन इतनी क्लियर है कि आप 1 घंटे बाद अपने को अचीवर कैटेगरी में रख देंगे। आप बोलेंगे बस अब तो हिला डालू, अब तो कर डालूंगा जो भी करना है, अब मुझे कोई रोक के दिखा दे। आप सोच के देखिए कि क्या कभी आपने कोई ऐसी गाइडेंस किसी को दी है कि आपने एक व्यक्ति को कन्वर्ट कर दिया हो सफरर से अचीवर बनने की राह पर। जिस दिन आपको ये आंसर खुद से मिल गया, आपको रेमिडी या किसी से भी अपना चार्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सैटर्न केतु वालों के, और ये इतना छोटा कॉम्बिनेशन नहीं है, इस कॉम्बिनेशन के अनेकों रूप हैं। 1000 पॉइंट ऐसे बन सकते हैं जो सैटर्न केतु को डिफाइन कर दें। 1000, मैं 10 पॉइंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जो आपके लिए बेहद जरूरी है, हमने पहले उसकी बात करी है। एक और कॉम्बिनेशन इसी सीरीज में आता है, सैटर्न एंड राहु। सैटर्न केतु वाले तो आंखों को बड़ा खोलकर सुन रहे थे, सैटर्न राहु वाले जो हैं, उनके चेहरे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे ऐसे व्यक्ति का होता है ना, भाई मेरे को पानी पीने को कब मिलेगा। तो सैटर्न राहु क्या है? व्हाट इज सैटर्न राहु? सैटर्न केतु किस चीज पर डिफाइन जो है वो मैटर करता है? सैटर्न केतु मैटर करता है इंटेंशन पर, और सैटर्न राहु बात करता है एक्सपेंशन की। याद रखिएगा, सैटर्न केतु क्या है? इंटेंशन है। सैटर्न राहु क्या है? एक्सपेंशन है। बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेंशन से हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में नेगेटिवली क्या करता है, ये नेगेटिवली कैसे एक्ट करता है, और ये नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे, फिर उस पर आएंगे। तो नेगेटिव जो इंटरप्रिटेशन है इस कॉम्बिनेशन की, वो है सस्पिशियसनेस, इनसिक्योरिटी। जितने भी लोग सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, वो भले ही अपने आप को कितना भी मजबूत दिखा दे,
अपने करियर में, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर है। वो डरते हैं, अरे यार कहीं धंधा डूब ना जाए, अरे यार मेरे साथ में ये गड़बड़ ना हो जाए, अरे यार मेरे को कोई इस तरीके से डाउन ना कर दे, अरे मेरे साथ में जो मेरी सेल्स चल रही है वो अचानक से डाउन ना हो जाए। ये बेचारे अपना काम और अपनी ग्रोथ के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले ये अपनी इनसिक्योरिटी से ही बाहर नहीं आते। इनसिक्योरिटी इनको घेरे रखती है। और आप जानते हैं कि सक्सेस को जब आप डिफाइन करते हैं ना, व्हाट इज सक्सेस, तो सक्सेस कुछ नहीं है मेरी नजर में पूछिए तो, सक्सेस एक माइंडसेट है। और ये जितनी भी चीजें हैं लाइक इनसिक्योरिटी, ये क्या है, ये आपकी सक्सेस की राह में एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहे, आप तो इस चीज के बारे में सोच रहे हो जो मेरे पास है उसको बचाऊं कैसे। शुक्र राहु है, शुक्र राहु है तो आपको डर है यार मेरी वेल्थ को कोई उड़ा के ना ले जाए। सैटर्न राहु है, मेरे करियर में कोई दिक्कत ना आ जाए। चंद्रमा राहु है, फिर तो आप हर तरीके से इनसिक्योर है, आपके मन में हमेशा ही आप डरे रहते हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इतना डराया हुआ है आपने। तो ये जो राहु है ना, ये नेगेटिव रोल का प्ले करता है। जब आप इसको एक इनसिक्योर भाव दे देते हैं, आप डरने लगते हैं, और यही राहु जो है वो आपको मल्टी मिलियनेयर नहीं, मल्टी बिलियनेयर, मल्टी ट्रिलियनेयर बना देता है। कब? जब आप एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। कॉम्बिनेशन एक ही है, दोनों व्यक्ति एक समान है, दोनों में से किसी को तीन आंखें नहीं मिली हैं, तीन हाथ नहीं मिले हैं, दोनों एक जैसे हैं। इंटरनली बॉडी में कुछ अलग हो सकता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक्सटर्नली तो आपको सब एक जैसा ही दिखेगा। दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो व्यक्ति हैं सैटर्न राहु वाले। एक व्यक्ति जो है वो बेचारा डरा बैठा है, क्यों? क्योंकि उसको डर है उसका काम फ्लॉप ना हो जाए। और एक व्यक्ति बात क्या कर रहा है, अरे यार नेक्स्ट मंथ ना मेरे को अपनी दूसरी ब्रांच ओपन करनी, नेक्स्ट ईयर जो है वो मेरे को ओवरसीज में अपना बिजनेस जो है सेटअप करना है। अब मैं सैटर्न राहु का एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, और जिसको आप अपनी मॉडर्न डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आप सब लोग ग्रोसरी खरीदने जाते हैं कि नहीं? परचून की दुकान जिसको बोलते हैं, सब लोगों की कॉलोनीज में रहती है, सब लोगों के आसपास जो लोकेलिटी होती है सब जगह आपको मिलती है ना, जो शॉप रहती है। अब मैं दो शॉप कीपर जो हैं या दो जो परचून की दुकान वाले हैं जो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, मैं उनको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं, और उसको खुद से रिलेट कीजिएगा कि मैंने आपको क्या मैसेज दिया। एक व्यक्ति सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठा है, उसको डर क्या है, अरे यार आज तो मेरे 100 ग्राहक आ रहे हैं, ये जो दूसरे व्यक्ति ने अभी अभी जो नई अपनी शॉप ओपन करी है ना, इसके आने से ना मेरे तो 50 ग्राहक रह जाएंगे, अब मेरे पास 100 नहीं आएंगे, 50 मेरे ये तोड़ लेगा। वो बेचारे को इस बात का डर है, और इस डर के कारण क्या किया, इस डर के कारण उसने अपने नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर दिया। वहीं जो दूसरा जो बंदा है जो इसी के साथ में है, वो क्या सोच रहा है, नहीं यार ये परचून की दुकान से काम नहीं चल रहा है, मुझे एक बड़े रिटेल आउटलेट पर जाना पड़ेगा, मुझे एक बिग बाजार जैसा मॉडल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, मुझे जो है वो एक डीमार्ट जैसा मॉडल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। दो लोग हैं, सेम कॉम्बिनेशन है, एक के ग्राहक 50 हो जाएंगे और एक के ग्राहक 50,000 हो जाएंगे, समझ लीजिएगा इस बात को। यदि आप है ना सैटर्न राहु लेकर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि यार मेरा काम ठप हो जाएगा, आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मिला है ग्रो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, और उसको आपने जानते हैं किस चीज से खराब कर दिया, 8-12 दिखा रहा है, क्या करूं, राजयोग में नहीं है, क्या होगा, मुझे तो ऑलरेडी कहा हुआ है कि तुम्हारा प्लेनेट नेगेटिव है, मेरा तो चार्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका चार्ट इतना अच्छा है इसलिए वो कर पाया, उसका चार्ट अच्छा नहीं है, उसका चार्ट अच्छा नहीं है, उसका माइंडसेट आपसे ज्यादा अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए।
क्योंकि एक्सेप्टेंस भी जो है ना, एक्सेप्टेंस भी आपके प्लेनेट को पॉजिटिव कर देगी, जानते हैं आप, ये भी रेमेडी है, इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस और आप कौन से प्लेनेट को अपने करेक्ट कर लेते हैं जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। नहीं तो आधे लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनसे ज्यादा बुद्धि और दिमाग तो किसी को दिया ही नहीं है, किसी हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई कैसे हो सकता है, मेरे से अच्छा कोई कैसे गाइडेंस दे सकता है, मेरे से अच्छा कोई ज्योतिष कैसे बता सकता है। हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, हर व्यक्ति जो है अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, हर व्यक्ति। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ग्रोथ के रास्ते पे सिर्फ वो है जो ग्रोथ के माइंडसेट की बात करते हैं, और सफरर कौन है? जिन्होंने उस प्लेनेट को सफरर की कैटेगरी में ले आए। राहु, कोई मुझसे पूछे द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेनेट, लिटरली सबसे खूबसूरत ग्रह है, क्यों? एक्सपेंशन कौन कराता है? बृहस्पति कराता है, एक्सपेंड कराता है ना, बड़ा करता है चीजों को, एक्सपेंशन की बात करते हैं। राहु एक्सपेंड नहीं कराता, राहु ब्लास्ट करता है, राहु ब्लास्ट करता है। बृहस्पति आपको 10 साल में लाख से 10 लाख पर ले आएगा, लेकिन सिर्फ राहु ही है जो लाख से आपको 1000 CR, लाख CR पर ले आएगा, सिर्फ राहु, और किसी की औकात नहीं, किसी प्लैनेट में वो दम नहीं है। आप क्लैरिटी लेकर बैठे रहो, नहीं नहीं मैं बड़ा क्लियर हूं, मुझे अपने लाइफ का पर्पस बड़ा क्लियर है, अरे मेरे को पता है अपनी दशा के बारे में कैसे काम करना है, लेकिन जब तक आप एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने राहु को एक्टिवेट नहीं करेंगे। अपने राहु को एक्टिवेट कर दीजिए, और इसी एक्टिवेशन को हर उस व्यक्ति को दीजिए जो अपनी कुंडली में राहु को लेकर रो रहा है, मेरी तो राहु की दशा ने बैंड बजा रखी है, मेरी राहु की दशा ने तो मेरे को ये कर रखा है, वो कर रखा है, 90% रो रहे होते हैं। और यकीन मानिए उसमें 10% ऐसे भी होते हैं जिनकी ग्रोथ को हम सोच भी नहीं पाते, अरे यार ये क्या हो गया इस आदमी को, ये कहां था, ये कहां पर है, वो भी राहु का ही रोल है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक्सपेंड करने का सोचा और बाकी 90% ने जो है उसको बचाने का सोचा। और जरा 5 मिनट के लिए इस बात पर फोकस करके देखिए कि अगर आपकी डेस्टिनी में, अगर ईश्वर ने कुछ तय किया हुआ है कि आपके पास से जाएगा ही जाएगा, तो किसी में दम है कि वो उसको रोक ले? है? किसी ज्योतिषी में है, मुझ में है, आप में है, किसी के फरिश्ते में भी दम नहीं है, लेकिन एक चीज का दम जरूर है आप, वो ये सोचने का कि मुझे ग्रो करना, मुझे एक्सपेंड करना। इसके लिए ईश्वर ने आपको मनाही नहीं की है, उसने आपको फ्री विल दी है कि आप एक्सपेंड कर सकते हो। यहां पर मत दोष दीजिएगा। तो सैटर्न केतु में सब लोगों ने एक बात सुनी कि शनि क्या है? मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। किसके साथ कनेक्ट किया? केतु के साथ कनेक्ट किया। क्या है? ट्रेडिशनल है। कौन सी घड़ी पहनी? एनालॉग वॉच पहनी। यहां पर कौन सी पहनोगे? डिजिटल वॉच पहनोगे। इसलिए सैटर्न राहुल यदि लेकर बैठे हैं तो मुस्कुराइए, अगर आपके हाथ में एप्पल है, यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन उस एप्पल की वॉच को देखकर इसलिए खुश मत होइए कि आपके हाथ में एप्पल है। एक इंटेंशन अपने दिमाग में यह डाल लीजिए कि जैसे इसने ग्रो किया है ऐसे मैं भी ग्रो करूं, मेरी भी ट्रैक यही रहे। और सैटर्न राहु को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने का एक और तरीका क्या? राहु जो है वो एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल, कैसे एक्सपेंशन करोगे? मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मान लीजिए आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, सैटर्न राहु लेकर बैठे हुए हैं, किस तरीके से एक्सपेंड करोगे? कोई है तरीका आप लोगों के पास? कोई शब्द है सैटर्न राहु के लिए? या बोलोगे ठीक है
अब जाहिर सी बात है अपने अंदर हवा भरने से तो रहे कि मैं एक्सपेंड होके दिखाऊंगा, वो तो नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दो, और प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी, प्रेजेंस ब्रांडिंग से बढ़ेगी। एक्सपेंशन कहां से शुरू होगी, एक्सपेंशन आपसे शुरू होगी। सैटर्न केतु में, सैटर्न केतु में इंटेंशन कहां से शुरू होती है, इंटेंशन आपसे शुरू होती है। सैटर्न राहु में एक्सपेंशन कहां से शुरू होगी, आपसे शुरू होगी। क्या करेंगे, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा देंगे, आपके दिमाग में कौन सा थॉट चलना चाहिए जानते हैं, सैटर्न राहु के केस में आपके दिमाग में यह थॉट चलना चाहिए कि यदि व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई चीज सर्च की और लिखा एस्ट्रोलॉजी तो मेरा नाम आएगा, अगर व्यक्ति ने लिखा वास्तु तो मेरा नाम आएगा, यदि व्यक्ति किसी रोड पे जा रहा है और उसके मन में अचानक से थॉट आ गया कि एस्ट्रोलॉजी तो उसको मैं दिखाई पड़ूंगा। जिस दिन आपने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आपने अपने सैटर्न राहु से काम लेना शुरू, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं जो ये सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है आपके पास कितनी बड़ी पावर, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का जो लेवल है वो ह्यूज लेवल है, बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं आप। लेकिन आपने क्या कर दिया है, आपने उसको इतना छोटा कर दिया है, डर डर के फेल ना हो जाऊं, चला ना जाए, फेलियर हो जाऊंगा, मेरा तो ये काम भी ठप हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। जितने भी लोग हैं यहां, कोई एक व्यक्ति नहीं, जितने भी सैटर्न राहु लेकर बैठे हैं और वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो इसी रीजन से ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनके मन को पता है कि हाँ हमारे अंदर है। मून केतु में क्या करना, मून केतु की जो वीडियो है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मून केतु में क्या। अभी पहले जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं उसकी तो बात कर लो, बाकी जब कभी सैटर्न वीनस की बात करेंगे या कभी सैटर्न जुपिटर की बात करेंगे तब उस माइंडसेट की बात करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ग्रो करना है तो एक माइंडसेट से ग्रो करोगे, वो माइंडसेट किसका होगा, वो माइंडसेट उस प्लैनेट का होगा जो सैटर्न के साथ कनेक्ट है। सिंपल, ये ध्यान रखना ये बात, ये सिंपल सा सूत्र है ज्योतिष का। अगर प्रोफेशनली ग्रो करना है तो सैटर्न के साथ कनेक्टेड प्लैनेट्स के माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आप ग्रो नहीं करेंगे, कोई ताकत आपको ग्रो नहीं करेगी, कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास अभी के अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई चार्ट है, कोई रखा हुआ है और ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जिसको आप अपनी नजर में बहुत सक्सेसफुल मानते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ, कि हाँ यार इस व्यक्ति ने एक्सेप्शनली ग्रो किया है, तो अभी के अभी उस चार्ट पर नजर मारिए, आपको सैटर्न राहु या सैटर्न केतु जब उसके चार्ट में दिखाई देंगे आपको उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये इंटरनली किस तरीके से चल रहा है अपनी चीजों को। और आप लोगों ने क्या सुना है अभी तक, आप लोगों ने क्या एक सोच या क्या एक थॉट प्रोसेस डाल दिया है कि टेंथ हाउस किसी का अच्छा है तो बहुत बढ़िया ग्रो हो जाएगा, किसी का टेंथ हाउस खराब है उसको तो कुछ मिलना ही नहीं है, किसी की कुंडली में 8-12 है तो बेकार है, किसी की कुंडली में 2-6-11 है तो उसका तो पूछो ही मत, वो कितना एक्सेप्शनली जो है जाएगा। मैं आपको एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 10 कुंडलियां उठाइए, 10, और उन 10 कुंडलियों को जिनको आप अपनी नजर में सक्सेसफुल मानते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, वो लोग वो पर्टिकुलर लोग, उनके चार्ट्स को स्टडी करके देखिए, उनके कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करके देखिए, उनके कॉम्बिनेशंस को स्टडी करके देखिए। अगर आप में किसी एक व्यक्ति ने भी ये प्रूव कर दिया ना कि हाँ ये चार्ट एक्सेप्शनल है, कि नहीं ये चार्ट में बहुत कुछ है, ये देखिए, एक भी व्यक्ति ने प्रूव कर दी, तो मैं कभी ये बात नहीं कहूंगा कि अलाइनमेंट से कुछ हो सकता है।
एक बंदे के चार्ट में प्रूव कर दीजिए सिंगल, जिसका आपको लगे नहीं 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 ये आदमी का चार्ट बड़ा अद्भुत है। कुछ भी अद्भुत नहीं है, सब हर व्यक्ति का चार्ट अद्भुत है। अब यहां पर जब कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, अब मैं एक जो सीक्रेट आप लोगों को बताना चाह रहा हूं उस सीक्रेट की तरफ आप लोगों ने ध्यान दें। सैटर्न के साइन कौन कौन से हैं? सैटर्न के साइन कौन से हैं? 10 और 11। केतु का साइन कौन सा है? केतु का साइन 8 नंबर है। राहु का साइन कौन सा है? एक्वेरियस है। प्लैनेट को कंजंक्शन वाइज कनेक्ट कैसे करना है उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और फिर मैं आपको लास्ट में एक सूत्र देकर जाऊंगा जिस सूत्र पर आप खुद काम कीजिएगा। किसी का सैटर्न एक्वेरियस साइन में है, किसी का सैटर्न एक्वेरियस साइन में है, इस कॉम्बिनेशन को आप सैटर्न राहु से कनेक्ट कर सकते हो। किसी का सैटर्न स्कॉर्पियो में है, कितने लोगों का सैटर्न स्कॉर्पियो में है यहां पर? टेल मी। ओके, एक दो, काफी लोग हैं, 300 लोग हैं, तो 300 में कम से कम ऐसे 10-12 लोग तो होंगे जिनका सैटर्न स्कॉर्पियो में होगा। तो आप किससे कनेक्ट करोगे अपने सैटर्न को? आप सैटर्न केतु से कनेक्ट करोगे। योर कॉम्बिनेशन इज वर्किंग लाइक सैटर्न केतु। भले ही आपका केतु आपके सैटर्न से कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन स्टिल आपका सैटर्न केतु के साथ काम कर रहा है। एक बात को सोच के देखिए, आप मेरे घर में यदि आए हैं, आप मेरे वातावरण में यदि आए हैं, तो मेरा वातावरण भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। मेरे घर का वातावरण भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। राहु यदि टॉरस में है तो इसको आप वीनस राहु कनेक्ट कर सकते हैं। वीनस यदि स्कॉर्पियो में है, आप इसको वीनस केतु कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने एक वीडियो देखी सैटर्न मून को लेकर, कितने लोगों ने देखी? अभी एक वीडियो पोस्ट की थी सैटर्न मून को लेकर, कितने लोगों ने देखी? क्या समझ में आया उस वीडियो को देखकर? कनेक्ट कर पाए जो चीजें मैंने बताई, वो चीजें जो है वो कनेक्ट की, काम किया उन चीजों ने सैटर्न मून ने? अब बहुत से लोग जिनकी कुंडली में सैटर्न मून का कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन सैटर्न कैंसर साइन में है, वो भी अपने हॉरोस्कोप में सैटर्न मून कंजंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। या जिसका मून कैप्रिकॉन साइन में है, उसके चार्ट में भी आप मून सैटर्न कंजंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ा साफ है और बड़ा सरल है कि एक ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के घर में जाएगा, तो उस ग्रह के घर का वातावरण भी उसको प्रभावित करेगा, उसकी चीजें जो हैं उसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो उस सर्टेन एनवायरमेंट में है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को स्टडी कर सकते हैं। तो यदि सैटर्न एक्वेरियस में है, सैटर्न राहु, सैटर्न स्कॉर्पियो में है, सैटर्न केतु, केतु अगर कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में है, सैटर्न केतु, राहु यदि एक्वेरियस या कैप्रिकॉन में है, सैटर्न राहु। समझ में आ गई? इस तरीके से कनेक्ट करना है चीजों को। और साथ में भाई, यहां एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, मैं फिर दोबारा से अपने बात को जरा क्लियर किए देता हूं। हाउ टू कनेक्ट वीनस राहु, अभी उस पर भी आएंगे भाई, सब कंजंक्शंस पर आएंगे, चिंता मत कीजिए। मैं हर एक छोटे इंटरवल में आप लोगों को इन कंजंक्शंस की चीजों को और प्लैनेटरी लेवल पर अलाइनमेंट को डिस्क्राइब करता रहूंगा, डोंट वरी। और इसकी डिस्क्रिप्शन सिर्फ इतनी नहीं है, चीजों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। कैसे जोड़कर? अब उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आगे आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है,
आप लोगों का अपना जो है वो डेडिकेशन है ज्योतिष में कि आप क्या निकाल कर लाते हो। मैंने एक रेमेडी आप लोगों को दी सैटर्न केतु की। उस रेमेडी में मैंने क्या बताया, उस रेमेडी में मैंने आप लोगों को बताया कि सैटर्न केतु वालों को क्या डालना चाहिए। क्या डालोगे सैटर्न केतु वाले? वॉच तो सभी डालेंगे, बट कौन सी वॉच डालोगे? एनालॉग डालोगे? ठीक है, चलो अब आपके लिए थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना देते हैं। आपके सैटर्न केतु के साथ मंगल भी कनेक्टेड है, आप कौन सी वॉच डालोगे? सैटर्न भी हो गया, केतु भी हो गया, मंगल भी हो गया, आप कौन सी वॉच डालोगे? सब लोग बोलेंगे रेड कलर, रेड कलर। कलर से ज्यादा मैं फिर बोलता हूं, ये छोटी चीजों से ज्यादा ना प्लैनेट की एक्चुअल सिग्निफिकेशन काम करती है। मंगल रिप्रेजेंट करता है मशीन्स को, मंगल रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल चीजों को। कौन सी वॉच डालनी है अभी भी समझ में नहीं आया, सैटर्न केतु और मंगल में कौन सी डालनी है? मैकेनिकल वॉचेस देखी है जिनके अंदर मशीनरी काम कर रही होती है, इसको डालकर देखिए। सैटर्न मून केतु में कौन सी डालोगे, सैटर्न वीनस केतु में कौन सी डालोगे, सैटर्न जुपिटर केतु में कौन सी डालोगे, इट्स अप टू यू नाउ। समझ में आ गई बात? कर्मा अलाइनमेंट में हम लोगों का मानना बड़ा सरल है कि कर्मा अलाइनमेंट में मुझे जरूरत जो है वो एक्सटर्नल चीजों की नहीं है। कर्मा अलाइनमेंट मेरे घर से शुरू होता है, जो खाना मैं खाता हूं उससे शुरू होता है, जो जूता मैं पहनता हूं उससे शुरू होता है, जो ड्रेसिंग मेरी है उससे शुरू होता है, जहां मैं बैठता हूं, मेरे वर्क एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं उससे शुरू होता है। यह है कर्मा अलाइनमेंट। कर्मा अलाइनमेंट रेमेडी नहीं है, कर्मा अलाइनमेंट एक थॉट प्रोसेस है जो ये कहता है कि हर चीज एक रेमेडी है। हर चीज सिर्फ उस चीज की डेफिनेशन जो है उसको करेक्ट कर लिया जाए तो ये कर्मा अलाइनमेंट है। इसलिए सैटर्न केतु वाले कंसल्टेंसी में, सैटर्न केतु वाले सलाहकारी, सैटर्न केतु वाले लॉयर्स, सैटर्न केतु वाले आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, सैटर्न केतु वाले एस्ट्रोलॉजर्स, सैटर्न राहु वाले वो लोग जो सोशल मीडिया को यूज करेंगे आज के बाद, जो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, सैटर्न राहु वाले जो कहीं फॉरेन कंट्री से या किसी रिमोट जगह से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सैटर्न राहु वाले जो अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे दिन रात, मुझे ग्रो कैसे करना है, मैं ग्रो कैसे करूं, ये दोनों चीजों के बारे में इस तरीके से आपने प्लान करना है। इसलिए आज के बाद मैं आप लोगों का थॉट प्रोसेस वो बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं या उस प्रोसेस को डिलीट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं जो इतने टाइम से आप लोगों के दिमाग में चल रहा है प्लैनेट्स को लेकर, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज आपको दे रहा हूं कि प्लैनेट के कारक तत्व को समझिए, प्लैनेट क्या मैसेज दे रहा है उसको समझिए और उससे अपने जीवन को कनेक्ट होने करने की कोशिश कीजिए। बड़ा सिंपल है। और जिस दिन ऐसा कर लिया, जिस दिन भी ऐसा कर लिया, उस दिन आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि अगर मेरी कुंडली में चंद्रमा केतु है तो क्यों मुझे आयुर्वेदिक भोजन करना चाहिए, क्यों मुझे रूटेड वेजिटेबल्स खानी चाहिए। समझ में आएंगी चीजें, फिर दिमाग पता है किस तरीके से चीजों को सोचेगा, अरे हाँ यार, चंद्रमा जो है वो खाने का कारक है, केतु जो है वो जड़े हैं, केतु जो है वो आयुर्वेदा है, इसलिए क्यों मैं ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो करूं जो आयुर्वेदिक हो। तब आपको इस बात का महत्व पता चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि कर्मा अलाइनमेंट जो है
वो डेस्टिनी जानना बिल्कुल भी नहीं है। कर्मा अलाइनमेंट डेस्टिनी के साथ में अलाइन करना है, और हर उस चीज को जो हमारे आसपास है उसको अपनी डेस्टिनी को बनाने में लगा देना। हमें घड़ी का पता था कि घड़ी काम करती है, लेकिन ये नहीं पता था कि एनालॉग करती है कि डिजिटल करती है। सब लोग घड़ी घड़ी ला रहे थे, अरे यार मैं आज जो है रोलेक्स खरीद के लाऊंगा, चलो मैं आज एक टाइमेक्स की ले आता हूं। अब समझ में आया, अरे यार मैं तो खामोखा इस पे पैसे खराब कर दिए। अब मुझे समझ में आया यार क्यों मेरे पास वो सिंपल घड़ी जो है वो मेरे हाथ पर टिकी रहती थी, ये जब से डिजिटल लेकर आया हूं इसको पहन ही नहीं पाता, कहां से पहन पाएंगे, सोच के देखिए। देखो अब एक और क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन से पता चलता है कौन से हाथ में पहने। मैं कहता हूं हाथ में क्यों, पैर में पहन के देखिए, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन आती, सोच के देखिए ना। एक बात को आप लोग समझ लीजिए, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, ज्योतिष में बहुत बड़ा रोल है ऑब्जर्वेशन का। और कौन सा प्लेनेट है ऑब्जर्वेशन का, राहु है प्लेनेट ऑब्जर्वेशन का। जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक एक्सपेंड नहीं करोगे, समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइम एक और दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे। कौन से कॉम्बिनेशंस पर, सैटर्न वीनस एंड सैटर्न जुपिटर। और उन कॉम्बिनेशंस पर बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आपने सैटर्न केतु तो पढ़ ली, आपने सैटर्न केतु तो स्टडी कर ली, अब आप खुद से ये प्रयास कीजिएगा कि अगर मेरे सैटर्न केतु के साथ में मंगल कनेक्ट है तो क्या करना है, सैटर्न राहु के साथ में जुपिटर कनेक्ट है तो क्या करना है। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और इसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे कब, जब आप प्रयास करेंगे। तो एक हिंट से काम नहीं चलेगा, दूसरा हिंट भी दे दिए। आप सब लोगों के हाथ में पेन है, अभी हमने किस रेमेडी की बात करी, अभी हमने क्या बोला, कौन सी चीज रेमेडी का काम कर सकती है, घड़ी, वॉच रेमेडी का काम कर सकती है। तो जब वॉच जैसी चीज रेमेडी का काम कर सकती है तो जिस चीज से आप दिन रात लिखते हैं वो कितनी बड़ी रेमेडी है, सोच के देखिए। वो रेमेडी नहीं है, वो भी रेमेडी है। तो यदि केतु है तो लिखेंगे, सैटर्न है तो किस चीज के लिए लिखेंगे, प्रोफेशन के लिए लिखेंगे, अपनी प्रोफेशनल चीजों को लिखेंगे। और यदि सैटर्न केतु और मार्स है तो अपने प्रोफेशन में किस चीज का यूज करेंगे, रेड इंक का यूज करेंगे। करके देखिए क्या होता है, मैं बताऊं क्या होगा, सैटर्न मार्स केतु वालों के साथ में क्या होगा जब वो ये करेंगे, करियर को लेकर जो उनकी एंजाइटी है वो खत्म हो जाएगी, करियर को लेकर जो उनके साथ में बैकस्टैबिंग होती है वो खत्म हो जाएगी, करियर को लेकर जो उनके साथ में कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, जो उनको तरह तरह की चीजों में एक्टिविटीज में उनको घेर लिया जाता है वो कम हो जाएगी। करके देखिए। और मैं हमेशा बोलता हूं मेरा एक ही कथन है, और यह शुरू में भी था और जब तक मैं ज्योतिष कर रहा हूं तब तक मेरा यही कथन रहेगा कि हर उस चीज को डिस्कार्ड कर दीजिए जो प्रैक्टिकली काम नहीं करती, हर उस चीज को डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर कोई चीज आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो किसी काम की नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें पढ़ के ये सब करके उस चीज को अडॉप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आएगी, जो आपकी लाइफ को एक्सेप्शनल ग्रोथ देगी। समझ में आ गया कि आपका पेन क्या कर सकता है, इसलिए पेन के लिए किस पर फोकस करोगे, केतु पर फोकस करोगे।
और यदि इन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिया ना, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए। नई चीज आ गई, राइटिंग क्या होनी चाहिए। क्यों हम लोग तो क्या पढ़ते हैं राइटिंग के बारे में, एक नया सा शब्द पढ़ते हैं, वो बड़ा मॉडर्न सा लगता है सुनने में, ग्राफोलॉजी, बड़ा बड़ा सा शब्द है। मेरे को तो डेफिनेशन भी नहीं पता उसकी क्या होती है, ग्राफोलॉजी किस चीज की है, लेकिन मैं जिन अपने स्टूडेंट से सुनता हूँ, सर ग्राफोलॉजी बड़ा काम करती है, बड़ा काम करती है। मैं बोलता हूँ इतना सारा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, गए वो ग्राफोलॉजी सीखा, ये किया वो किया, अपना चार्ट देखो, अपने प्लैनेट्स देखो और वहां से डिसाइड कर लो आपकी ग्राफोलॉजी क्या है, वहां से डिसाइड कर लो आपके परफेक्ट सिंबल्स कौन कौन से, वहां से डिसाइड कर लो चीजों को, क्या जरूरत है एडिशनल चीजों पर जाने की, वहां से डिसाइड कर लो कौन सा मंत्र करेंगे, किस चीज पर ध्यान देंगे, प्लैनेट के कारक तत्व पर ध्यान देंगे आज के बाद। चीजें जो है वो बेहतर रूप से समझ में आनी शुरू हो जाए। अभी तक सिर्फ किस चीज को सुने हैं, किस चीज को सोच के किए हैं, सर ने बोला है 12th हाउस, सर की वीडियो में सुने हैं कि 12th हाउस ना चैरिटी कर देंगे तो 12th हाउस बढ़िया काम करेगा, एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो 8वां घर बड़ा अच्छा काम करेगा। तो जब इतना दिमाग आपने हाउसेस की अलाइनमेंट पर लगाया है, तो थोड़ी सी बुद्धि जो है वो प्लैनेट के कारक तत्वों पर भी लगानी शुरू कर दीजिए। आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल जो है ना, वो उस लेवल पर चला जाएगा जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की हो। समझ में आ गई बात। आगे भी इन्हीं टॉपिक पर और इन्हीं चीजों पर चर्चा करते रहेंगे। और मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि आगे जो भी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलेंगे, लाइक आप कहीं भी मुझसे अगर कनेक्ट होंगे, तो आपको वो पर्सनली ग्रुप्स पर वो चीज नहीं मिलेगी, आपको ऐप पर उस चीज को देखना होगा। ऐप पर आप लोगों के पास मैसेजेस आएंगे और ऐप से ही आप लोग मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर किए देता हूं। और वहां पर आप आर्टिकल्स वगैरह भी, आजकल मैंने जो है वो आर्टिकल्स भी डालने स्टार्ट कर दिए आप लोगों के लिए, तो आप लोग उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जो आर्टिकल्स हैं वो आप लोगों के लिए बड़े काम के हैं, बिकॉज अब जितनी भी चीजें जो हैं वो हम लोगों की तरफ से जाएंगी, वो सब प्रोफेशनल आर्टिकल्स होंगे, याद रखिएगा, प्रोफेशनल आर्टिकल्स जो प्रैक्टिकली आपको आपकी लाइफ में चीजें कैसे काम कर रही है उसको लेकर होंगे। अब आप वो आर्टिकल नहीं पढ़ने वाले हैं कि सैटर्न लगन में है, व्यक्ति को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसे पिक्चर में आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन को, सैटर्न जुपिटर एंड सैटर्न।